देखिए, अगर वो शिक्षा की देवी होंगी तो वो फ्रॉड लोगों की देवी होंगी, जो फ्रॉड करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों का नाम छुपाते हैं, जो काम करने वाले लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, जो डंडी मारते हैं, जो हाथ देखकर खाते हैं, जो जो क्या कहते हैं शादी के नाम पर डेट निकाल कर खाते हैं, जो मरने में पुण्यदान करने के नाम पर खाते हैं, उनकी देवी हो सकती है। पाखंडी ढोंगियों की देवी सरस्वती हो सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप किसी को भी देवी मानो, तो ये इनकी देवी हो सकती है। लेकिन अगर देश की देवी कोई है, शिक्षा की देवी, इस देश के बच्चों की देवी कोई है, इस देश में शिक्षा संस्थानों पर लगने वाली अगर कोई देवी है और वास्तविक में किसी ने काम किया है, तो वो माता सावित्रीबाई फुले। कि हमारे लिए शिक्षा की देवी कोई सरस्वती या कल्पना की कोई देवी नहीं, वो माता सावित्रीबाई फूले हैं, और हमारे लिए हमारे शिक्षक उनके बराबर सम्मान रखते हैं। और सावित्रीबाई फूले जब निकलती थी घर से तो लोग कीचड़ फेंकते थे, लोग पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़ों को जानबूझकर कीचड़ फेंक करके गंदा कर देते थे कि वह अब स्कूल ना जा पाए, तो वो साड़ी तक अपने बैग में रख कर ले जाती थी। ज्योतिबा फूले कई बार देखते थे कि सावित्री निराश हो रही है, हताश हो रही है, तब कहते थे कि हमें इस समाज में परिवर्तन के लिए अपमान झेलना पड़ेगा, सावित्री इस अपमान के घूंट को पी जाओ और आने वाली जो संतानें हैं हमारी, जो पीढ़ियां होंगी आने वाली, वो तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज देश की हर महिला उनकी संतान है, क्योंकि वो सब उनके प्रावधान और उनके विचार से पढ़ रही हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, माता सावित्रीबाई फूले ने छुआछूत के क्षेत्र में भी काम किया। जब लोग कुएं पर चढ़ने के लिए इजाजत नहीं देते थे तो सावित्रीबाई फूले ने अपने कुएं सार्वजनिक कर दिए, और सार्वजनिक करके कहा कि आप सब, अगर कोई आपको मारता है, पीटता, कुएं से पानी नहीं भरने देता, आप प्यासे हो, आप इस कुएं से पानी पी सकते हो। और जब कुएं से पानी का प्रावधान उन्होंने किया, लोग कुएं से पानी पीने लगे, अपनी प्यास बुझाने लगे, बड़े खुश होने लगे, तो उस समय जो मनुवादी लोग थे उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का बहिष्कार करवाया परिवार से, और परिवार से बहिष्कार करवा के कहा कि हुक्का पानी बंद हो गया, अब तुम समाज में उठने बैठने लायक नहीं हो। और दोनों पति पत्नी को गांव से, परिवार से निकलना पड़ा, कहीं वो बाहर रहे। और उस समय उन्हें उस्मान शेख, एक मुस्लिम भाई, उन्होंने अपने घर में शरण दी कि आप मेरे घर रह सकते हो। इससे तो यही साफ होता है कि आप सावित्रीबाई फूले को छुपाना चाहते हो, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं तो बच्चों को पता कैसे चलेगा। जब सिलेबस में नहीं है, बच्चे ने जब ये पढ़ लिया कि गांधी जी सफाई के जनक थे, चश्मा लगाते थे, नंगे चलते थे, तो बच्चों ने ये क्यों नहीं पता चला कि माता सावित्रीबाई फूले साड़ी पहनकर तो जाती थी, लेकिन साड़ी पर लोग इसलिए कूड़ा फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी, इसलिए उधर से वो साड़ी बदल कर निकल कर आती थी। आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया कि जब छुआछूत के खिलाफ सावित्रीबाई फूले काम कर रही थी तो तब उन्हें समाज से बहिष्कृत करना पड़ा, ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि सामाजिक बहिष्कार होता क्या चीज़ है, ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि समाज में जब अच्छा काम करने चलते तो विरोध भी झेलना पड़ता है। आपने ये तो पढ़ा दिया, क्या कहते सचिन तेंदुलकर, क्या कहते कितनी सेंचुरी मारा, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ाया कि माता सावित्रीबाई फूले ने जब कमजोर लोगों को, गरीबों को, अछूतों को, दलितों को जब पढ़ने के लिए कलम थमाई तो उनके घर के आगे मनुवादियों ने जो है मल फेंक दिया, पोटी फेंक दी, इसलिए कि वो दुर्गंध से घर से ना निकल पाए, उनके रास्ते बंद कर दिए। क्यों नहीं पढ़ाया आपने? ये बेईमानी है माता सावित्रीबाई फूले के साथ। और सबसे बड़ी बात यह, शिक्षा संस्थान जितने भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेईमानी हुई है। जिसने जो काम मेहनत से किया उसको छुपाया गया, जो दंगाई रहे, जो फसादी रहे, जिनका कोई रोल, कोई खास रोल नहीं रहा, जिनका व्यक्तिगत कोई लाभ रहा, उनको तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन जिन्होंने इस देश के हर जनता के लिए काम किया, हर बच्चे के लिए काम किया, महिला बेटी के लिए काम किया, उनका नाम आपने क्यों छुपाया, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सच्ची देवी जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसने काम किया है, उनका नाम उजागर हुआ है। और ये साल इस मामले में लोगों के लिए, सच के लिए और सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत पॉजिटिव रहा, जिसमें लोगों ने देश के अंदर ये जाना कि जो स्कूलों के माथे पर, सर पर लगी हुई जो तस्वीर है, ये वास्तव में शिक्षा की देवी नहीं है। अगर शिक्षा की देवी कोई है तो वो सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत की, त्याग किया, लोगों से पत्थर, कूड़ा, करकट, गोबर तक उन्होंने अपमान झेला। तो ऐसी महिला के लिए जो है अब सम्मान का वक्त आया है, वो दौर आया है 200 साल बाद, देखिए उनको जो है ये सम्मान मिल रहा है उनके किए हुए काम का। और उसके पीछे भी कुछ लोगों का हाथ है जो उनके नाम पर काम करते रहे, उनके नाम से संगठन बनाते रहे, मांग करते रहे कि उनको सम्मान मिले। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब लोग देश भर में नहीं, विश्व लेवल पर सर्च कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई देवी है भारत के अंदर तो वो किसने काम किया है। जैसे कि बहन मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने इस देश में ज्योतिबा फूले नगर बनाए। इस देश में जब पार्क बने तो माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन सबके इतिहास को देश के सामने लाकर रखा।
और दुनिया के सामने बताया कि देश में अगर काम करने वाले लोगों की संख्या गिनी जाएगी तो तब सबसे पहले इन लोगों का नाम आएगा। तो माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले के इतिहास को अगर आज हम सब लोग, आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसी बच्ची लड़की अगर जानकर समझकर बोल रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बसपा का हाथ रहा है। बसपा ने इस विचार को उठाया, लोगों तक बताया कि अरे ये ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इतना संघर्ष झेला और फिर भी पीछे नहीं हटे, डटे रहे। बताइए, जिस महिला के ऊपर आप कीचड़ फेंक दो, वो महिला डरी नहीं, हिम्मत देखिए, उसके कपड़ों को खींच लो, ये कहकर के सावित्री आज तेरी अस्मिता जा सकती है, लेकिन तू शिक्षा की जो जोत जला रही है ये छोड़ दे और हम तेरे तेरी इज्जत बख्श देंगे। फिर भी वो कहते कि तुमसे मैं डरूंगी नहीं, और सीना ठोक कर कहती कि मैं पढ़ा कर ही लौटूंगी। तो ऐसी महिला के लिए लोगों को जानना चाहिए, सरकारों को बताना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताकर साबित कर दिया कि जो जिसका न्याय है, जिसको जो जिसका हक बनता है वो उसको मिलेगा, जिसने भी काम किया होगा इतिहास में। एक ट्रेंड शुरू किया है हमने, तीन मांगों की डिमांड की है। पहला ये कि 3 जनवरी शिक्षक दिवस के रूप में सरकारी घोषणा हो, छुट्टी हो, और दूसरी बात ये माता सावित्री बाई फूले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए ताकि उनके किए हुए काम के लिए उनका हक बनता है। तीसरा ये कि स्कूलों में माता सावित्री बाई फूले की तस्वीर हो तथा उनके किए हुए कामों की स्तुति हो, यानी कि प्रार्थना उनके नाम से हो, जिसने वाकई में बच्चों को पढ़ाया, बालिकाओं को पढ़ाया और पढ़ने का विचार दिया, जिसने कुछ काम किया। तो इन तीन मांगों को लेकर के हम लोग अभी काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ट्रेंड चल रहा है, बहुत तेज़ी से ट्रेंड जो है वायरल हो रहा है। और अगर कल हमें समय मिल जाता है, हमने राष्ट्रपति भवन में लेटर डाला है, अगर हमें कल समय मिल जाता है राष्ट्रपति जी से मिलने का, तो कल हम लोग जो ज्ञापन दे करके इसकी मांग करेंगे। ये तो सरकार और इतिहासकारों की बेईमानी रही है कि जब इतिहास लिखा गया तो कलमकारों की कलम की स्याही सूख गई माता सावित्रीबाई फूले का नाम लेने में। एक ऐसी महिला की काम को लिखते हुए उन्होंने संकोच करा, या उनके जातीय घमंड ने ये इजाज़त नहीं दी कि एक महिला को हम सम्मान दे दें। लेकिन सच जो होता है जमीन फाड़कर भी बाहर निकलता है। लगभग 1848 1 जनवरी को पहला स्कूल उन्होंने खोला था इस देश की स्त्रियों के लिए, बेटियों के लिए, और उसमें उनका साथ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर किसी ने दिया मजबूती के साथ, तो फातिमा शेख थी जो मुस्लिम महिला थी। तो इन्होंने देखा जब जब इस देश में जिन लोगों ने भी देश को उन्नति के लिए, लोगों की तरक्की के लिए काम किए हैं, उसमें या तो बहुजनों के लोग रहे हैं जिनको इन्होंने अछूत कहा, नीच कहा, कमज़ोर कहा, उन कमज़ोरों में भी ये क्षमता थी कि वो बुराइयों से लड़ सकते हैं। उस दौर में 2 आंदोलन चल रहे थे, पहला हिंदू आंदोलन कर रहे थे अपनी हिंदू संस्कृति में चेंज करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हावी हो गई थी, जैसे कि दासी प्रथा और वो क्या कहते हैं देवदासी प्रथा और दूसरा सती प्रथा, इस तरह की बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में व्याप्त थी। लेकिन वो केवल सुधार कर रहे थे अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, पर माता सावित्रीबाई फूले देश की समस्त बच्चियों के लिए स्कूल खोल रही थी। ज्योतिबा फूले समस्त बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। जब 1848 में पहला स्कूल खोला और 8 बच्चियां पहली पाठशाला में बैठी, तो उसमें से 5 बच्चियां ब्राह्मण समाज की भी थी। तो ये आज देश की समस्त महिलाओं को उनके नाम लेते हुए गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम सभी बहन बेटियों को, माताओं को सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अधिकार दिया है। तो अब पढ़िए, अगर नहीं लिखा इतिहास में तो अब खोजिए, इतिहास खोजिए। माता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये माता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर है, आप इनके बारे में पढ़िए। आजकल तो गूगल पर हर चीज़ प्रोवाइड है, आप उनको सर्च करिए, किताबें ढूंढिए, साहित्य में उनका नाम ढूंढिए, और अपने बच्चों को बताइए कि क्या उन्होंने कितने संघर्ष किए। देखिए, जब माता सावित्रीबाई फूले 1831 में उनका जन्म हुआ, 3 जनवरी 1831 को जन्मी माता सावित्रीबाई फूले केवल 9 वर्ष की थी जब उनकी शादी ज्योतिबा फूले के साथ हो गई। शादी से पहले जब शायद वो 7-8 वर्ष की रही होंगी, तो अंग्रेजी स्कूल उस समय पे खुल रहे थे भारत के अंदर, अंग्रेज अपने स्कूल खोल रहे थे, उन्हें एक किताब मिली और वो उस किताब को बड़ी शिद्दत के साथ निहार रही थी। तब उनके पिता ने उनसे किताब छीनी और फेंक दी, तो उस समय वो समझ नहीं पाए कि उन्हें क्यों किताब छीनी गई। तब उनकी शादी ज्योतिबा फूले के साथ हुई, तो ज्योतिबा फूले उन किताबों को पढ़ते थे, वो शिक्षित थे, तो उन्होंने कहा कि इन किताबों में ऐसा क्या है कि आप इनमें लगे रहते हो। तब ज्योतिबा फूले ने कहा कि सावित्री, इन किताबों में ज्ञान है, इन किताबों में इंसान की तरक्की है, इनसे आगे के रास्ते खुलते हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि अच्छा। जब उनकी दिलचस्पी देखी तो ज्योतिबा फूले ने इस देश की स्त्रियों को सुधार करने के लिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, और सावित्रीबाई फूले केवल 9 वर्ष की थी जब शादी हुई। उसके बाद पढ़ते पढ़ते 13-14 साल में उनको उन्होंने तैयार कर लिया, और उन्हें लगा कि जब हम समाज को बदलेंगे, समाज की दिशा और दशा चेंज करनी होगी, तो उसके लिए हमें महिलाओं का सहयोग चाहिएगा, और महिलाओं में परिवर्तन के लिए हमें कोई महिला कार्यकर्ता चाहिएगी, क्योंकि खुद ज्योतिबा फूले घर घर जाकर नहीं महिलाओं के बीच में बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को
तैयार किया। और माता सावित्रीबाई फुले जब तैयार हुई काम करने निकली तो लोगों ने उनको बहुत अपमानित किया। जब इतना मतलब प्रभाव था वैदिक धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, कि धर्म शास्त्रों के अगेंस्ट कोई जा सकता था तो उसकी सीधे हत्या करने का प्रावधान था, तो ऐसे वक्त पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले डरे नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें चाहे जो नुकसान पहुंचा दो, लेकिन हम इन बच्चियों को इस देश की तरक्की में हम शामिल करके ही छोड़ेंगे। उस समय हर व्यक्ति उस विचारधारा का शिकार था, और जब सारे ही उस विचारधारा से प्रभावित हों, ऐसे में एक महिला का उन वर्जनाओं को तोड़ना, उन धारणाओं को तोड़कर ऊपर उठकर आना और काम करना, ये बहुत मुश्किल काम रहा होगा। जब आज के समय भी हम करते हैं, आज तो संविधान का दौर है, लोकतंत्र का दौर है, आज तो लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब 19वीं सदी की बात आई, 19वीं सदी में उन्होंने परिवर्तन किए, तो मान लीजिए 200 साल बाद जब हम काम कर रहे हैं तब हमें ये सब झेलना पड़ता है, तो उनको तो और भी ज़्यादा झेलना पड़ा होगा। देखिए, सिर्फ स्कूल ही नहीं खोले, उन्होंने अनाथ आश्रम भी खोले, और अनाथ आश्रम में उन्होंने ऐसी विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने जो है प्रावधान किए, उन्होंने अपने विवाह सेंटर खोले, विधवाओं के लिए भी सेंटर, हाँ विवाह विधवाओं के लिए भी सेंटर चलाया, और विधवाओं के जो बच्चे हो जाया करते थे उनके साथ, उनके साथ कोई भी जबरन जबरदस्ती कर लेता था और उस घटना से अगर बच्चे जन्म लेते थे तो उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता था, ना तो उस विधवा महिला के ससुराल पक्ष, ना ही मायका पक्ष, और समाज उनको बहुत बुरी नज़र से देखता था। तो ऐसे में उनको सम्मान और सुरक्षा चाहिए होती थी। जब एक महिला विधवा थी और वो मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, तो ज्योतिबा फुले उसको ले आए कि बहन तुम मरो मत, तुम गर्भवती हो, मैं मानता हूँ समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हारे परिवार के किसी पुरुष ने ये किया और आज तुम जो है मरने जा रही हो, तुम मरो मत, जीवन जियो आगे का। जब उस गर्भवती महिला को वो लेकर आए तो उन्हें लगा कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं और हमें सबके लिए सम्मान और छत देनी चाहिए, तो ऐसे में उन्होंने एक आश्रम बनाया और वहाँ पे ऐसी महिलाओं की डिलीवरी करने का एक जगह दी, स्पेस दी। और जो यशवंत पहला बच्चा उस आश्रम में पैदा हुआ था, वो यशवंत बच्चा भी ब्राह्मण परिवार का था। देखिए उनके मन में कितनी दया थी, उनके मन में कोई जातिवाद नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को अपना नाम दिया, वो महिला को पूरा सम्मान दिया, उस बच्चे को अपने बच्चा करके पाला, और उस बच्चे ने बड़े होकर के हॉस्पिटल भी खोला। जब प्लेग की बीमारी फैली, माता सावित्रीबाई फुले का जब निधन हुआ, तो यशवंत डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में और वो इलाज कर रहे थे, उन्हीं के हाथों में उन्होंने दम तोड़ा था। माता सावित्रीबाई फुले ने साफ सफाई के क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने वाल्मीकि बस्तियों में जाकर जो सफाई कर्मी होते थे वो कि तुम गंदे क्यों रहते हो, तुम भी इंसान हो, साफ सुथरे रहो, इन हाथों में किताबें लो, सुबह नहाओ, अपना खाना तब खाओ, जब वो साफ सफाई के लिए उन लोगों को समझा रही थी और किताबों के बारे में बता रही थी, तो मनुवादियों ने देखा कि अरे ये जो नीच चूड़े चमार हैं जिनको हम गंदा कहते हैं, अगर ये शिक्षित हो गए तो हमारे बगल में बैठेंगे, चार ज्ञान की पोथियां पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान बताएंगे, इसलिए ये सावित्री कितना बड़ा अधर्म कर रही है, अधर्म ही है सावित्री। और उन्होंने कहा कि सावित्री अगर इनको पढ़ाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमसे कौन ज्ञान लेगा, अगर ये पढ़े लिख गए, अगर ये अज्ञानी रहेंगे तभी तो हमारे ज्ञान की वैल्यू है, लेकिन जब सब ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारे ज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए सावित्री का रास्ता रोको। और सावित्री का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ करो, और उन्होंने रात भर मीटिंग करी, पूरी रात मीटिंग करके उन्होंने एक माता सावित्री फुले को डराने के लिए और दबाने के लिए एक सोच निकाली कि उनकी घर के आगे कम से कम कई किलो मल, मतलब मानव मल, पोटी जिसको कहते हैं, वो उठा करके उनके घर के आगे फेंक दी, और स्लोगन लिख कर गए कि अगर आप गंदे लोगों को पढ़ाएंगे तो ये गंदगी हम आपके घर के बाहर फेंकेंगे। माता सावित्रीबाई फुले जब सुबह उठती हैं तो दुर्गंध होती है, वो कहती है इतनी गंदगी कहाँ से है मेरे घर के आगे। तब उनसे कहा कि सावित्री अगर तुम नहीं मानोगी, अगर इन गंदे लोगों को पढ़ाएगी, इन लोगों को अगर ज्ञान दोगी तो हम तुम्हारे साथ यही हश्र करेंगे और इससे भी बुरा हो सकता है। तब माता सावित्रीबाई फुले ने उनसे नाराजगी नहीं जताई, उन्हें गाली नहीं दी, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं कहा, वो अपने कुएं से पानी भर के लाई और वो अपना घर धुला और बाहर निकली, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, अगर तुम्हारी क्षमता है तो तुम मेरा साथ देने के लिए आ सकते हो, लेकिन मेरा विरोध करने के लिए जब तक तुम आगे जाओगे मैं उससे भी आगे जा करके काम करने की हिम्मत रखती हूँ, और मेरे पास ताकत इसलिए है कि मेरे पति यानी कि ज्योतिबा फुले मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे गर्व है वो माता सावित्रीबाई फुले पर, जिनके नाम को मैंने स्वीकार किया, जिनके काम को मैंने स्वीकार किया, जिनके विचार पर मैंने अंगीकार किया, और आज उस विचार पर देश की और भी करोड़ों करोड़ों महिलाएं चल रही हैं, पढ़ रही हैं, और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि देश की समस्त महिलाएं, ना कि इसमें एससी ओबीसी, देखिए हर महिला के लिए काम किया, अगर आज स्कूल खुले हैं, पढ़ने गई हैं, शिक्षा की बात कर रही हैं, ज्ञान की बात कर रही हैं, पुरुषों से बराबरी की बात
कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ समानता की बात कर रही हैं, या देश दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर के अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो उस विचार की जो पोषक हैं, उस विचार की जो जनक हैं, माता सावित्री बाई फुले हैं। उन्होंने कहा कि महिला उपभोग की वस्तु नहीं है, ये कोई सामान नहीं है। पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो, ये जीवन तुम्हारे लिए भी इतना है। चार दीवारी के बाहर भी एक दुनिया है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। जब उनसे कहा गया कि बेटियों तुम पढ़ो, तो लड़कियों ने किताबें फेंक दी, तो माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि अगर तुम नहीं पढ़ रही हो तो कम से कम जो इसमें तस्वीरें छपी हैं उन तस्वीरों को देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। इस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया। ये देखिए, पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि महिलाओं से जब वो कहती थी कि बच्चियों को पढ़ने भेज दो, तो कहती थी चल सावित्री तुझे तो फालतू है, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और चली आती है, हमारा टाइम खोटी कर रहे हैं। जितनी देर में हम तेरे पास अपनी बेटियों को पढ़ने भेजेंगे, इतनी देर में तुम्हारी बेटियाँ लकड़ी बिनेंगी, गोबर थापेंगी, रोटियां बनाएंगी, घर का झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन करेंगी, इतनी देर में तू पढ़ाएगी इनको, और पढ़ाई से होगा क्या? हंसती थी महिलाएं खुद। लेकिन आज देखो, आज अगर कोई ये कहेगा मैं अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो लोग हंसेंगे उस पर कि कैसा पागल आदमी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए मना कर रहा है। हजार लोग उससे कह देंगे भैया पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाने का पूरा रास्ता खुला है। तो अगर आज ये विचार मिला है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो इसके पीछे माता सावित्रीबाई फुले का योगदान है, उनका विचार है, उनकी ताकत, तपस्या, उनका त्याग है। और हम गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें सावित्रीबाई फुले जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। सरकार के अंदर लोग हैं, वहाँ तक अभी सावित्रीबाई फुले के साथ न्याय करने वाले लोग नहीं पहुँचे। इस देश के अंदर रंगीन फिल्मी गाने और चित्रकार और नाटककार और फिल्मकारों के लिए तो जगह है, लेकिन देश में वास्तविक काम करने वाले, सोशल रिफॉर्मर के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए, सामाजिक परिवर्तन करने वालों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे पाठ्यक्रम शुरू से लेकर के आप लास्ट तक देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले का नाम कहीं नहीं लेंगे, यहाँ तक कि एनसीईआरटी तक में नहीं आपको देखेंगे। तो एनसीईआरटी की जो कमेटी होती है, जो ये सिलेक्ट करते हैं कि सिलेबस कौन बनेगा, उसमें अभी तक ईमानदारी से लोग नहीं काम करे हैं, या फिर ईमानदारी से काम करने वाले लोग बैठे नहीं हैं। हो सकता सारे बेईमान हैं।